हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, हमने शुरू में कहा था कि आज दो ऐसी खबरें हैं जिन पर आपको जोरदार घंटी बजानी है। एक खबर हमने आपको दिखा दी, अब दूसरी हम दिखाने वाले हैं। ऐसा है कि देश में 35 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां हर तीन वोटर पर एक मुस्लिम मतदाता है और 218 सीटें, माफ कीजिएगा, ऐसी हैं 218 जहां मुस्लिम मतदाता बहुल है ये सीट, 218 सीट। लेकिन जिस देश में हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हावी रही है, क्या अब उस देश में राजनीतिक पार्टियां तेरा हिंदू बड़ा मेरा हिंदू बड़ा की सियासत करेंगी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होने वाला है? घंटी बजाइए। पूजा पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। भगवान राम की कृपा से यह कार्यक्रम उनके संदेश को प्रसारित करने वाला राष्ट्रीय एकता बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने। मेरे लिए धर्म आस्था का विषय है और जब आस्था होती है तो उसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। कितना हृदय उछल रहा, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत में आपके हम आंखें बिछाए हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और अयोध्या समेत पूरे देश में बीजेपी वीएचपी हर घर दीप जलाने के लिए अयोध्या में तो दीपक और तेल तक घर घर पहुंचाने लगे। तब कांग्रेस के खेमे में एक हलचल दिखती है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे तो इसका हिंदू वोट और वोट बंटवारे की राजनीति से क्या रिश्ता है, आप जाने उससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की राम मंदिर निर्माण को लेकर चिट्ठी देखिए, जिसमें लिखती हैं, राम साहस है, राम संगम है, राम संयम है, राम सहयोग है, राम सबके हैं, सबका कल्याण राम चाहते हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। और फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक स्टैंड आता है। भगवान श्री राम और सीता माता की जो व्याख्या, भगवान श्री राम के आदर्शों और मर्यादाओं की जो व्याख्या श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा जी ने आज अपने इस स्पष्ट वक्तव्य में की है, क्योंकि राम तो सबके हैं। राम सबके हैं, लेकिन राम को सबका बताने की अतिरिक्त कोशिश करती कांग्रेस क्यों दिख रही है? क्या कारण ये कि राम मंदिर के भूमि पूजन में नरेंद्र मोदी के पहुंचने भर से कांग्रेस को दो बातों का डर लग रहा है? पहला, हिंदू वोट का और एकजुट होकर बीजेपी के खाते में जाने का डर, और दूसरा, राम मंदिर निर्माण का पूरा क्रेडिट बीजेपी के हाथ जाने का डर। क्या इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन करते हैं, हर कार्यकर्ता को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहते हैं? जहाँ एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया है। आप देखिए, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ होना है, और ये पाठ सिर्फ कमलनाथ के ऑफिशियल रेसिडेंस में नहीं भोपाल में, बल्कि मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे अपील की गई है कि वो सारे लोग अपने घरों पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसको सोशल मीडिया पर बताएं। हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी हनुमान भक्त कर सकता है, लेकिन पाठ करने के बाद राम मंदिर को लेकर बयान कांग्रेस के दिल में मची हलचल को बताता है। ये हमारी भावना है, इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने करी थी 85 में, और 89 में उन्होंने कहा था शिलान्यास होना, उन्होंने अपने पहले भाषण में 89 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। तो आज हम राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं, राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ताले खोले थे, वहीं से शुरू हुई थी ये राम मंदिर की कथा। नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करने जा रहे हैं, तब कांग्रेस के खेमे से राजीव गांधी को राम मंदिर का श्रेय देना और खुद कांग्रेस नेताओं का राम के रंग में रंग जाना, क्या राजनीति में हिंदू वोट बैंक को बांटने का नया प्रयास है? मैं बड़ा हिंदू हूँ या मैं बेहतर हिंदू हूँ या हिंदू हमारे साथ है, ये बताने की होड़ राजनीति में चल रही है। इस बात को इस वीडियो से देखिए,
कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी वीडियो ट्वीट करते हैं तो उस वीडियो में राम का भजन होता है, लेकिन नीचे राम की तस्वीर वैसी ही जैसी अधिकतर वीएचपी या दूसरे हिंदुत्ववादी संगठनों के पोस्टर और बैनर पर दिखती रही है। सीता राम सीता राम अजमन प्यारे सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस अचानक ऐसा क्यों कर रही। 60 साल तक तुष्टिकरण की पूरी तरीके से राजनीति की गई सिर्फ एक धर्म को लेकर के, क्यों? क्योंकि वो एक प्रभावशाली वोटर होता है, उस वोट बैंक को भुनाने के लिए कांग्रेस ने ये काम बखूबी किया और उस काम के चलते जो है वो वोट बैंक की राजनीति की गई। लेकिन फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद एके एंटनी की अगुवाई में बनी कमेटी ने पार्टी को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मुस्लिम तुष्टिकरण और हिंदू विरोध की छवि के कारण कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद पार्टी में कुछ बदलाव दिखे थे। मेरा धर्म सिखाया आपने, मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। अभी राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ कांग्रेस अलग तरह से राम मंदिर और हिंदुत्व की बात करती है। जैसे अगर कमलनाथ राम भक्त हनुमान की चालीसा का पाठ पढ़कर राम मंदिर की बात कहते हैं, तो दिग्विजय सिंह हिंदुओं की आस्था से जुड़े शुभ मुहूर्त पर विवाद का सहारा लेकर नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। मोदी जी अब मुहूर्त निकालने लगे हम लोगों का मंदिर का। 5 अगस्त को उनको सुविधा थी, क्योंकि 5 अगस्त को उनके लिए और कोई कारण है जिसका मैंने दौड़ना चाहे। ये मोदी जी का मुहूर्त है। ये मोदी जी ने कहा 5 अगस्त को निकाल दीजिए, मेरा ये आरोप है। यानी एक बार फिर राम मंदिर निर्माण के साथ हिंदू वोट की लव स्टोरी सियासत में शुरू हुई है। लेकिन जरूरी है कि धर्म की राजनीति राम के नाम पर अब ना हो, जिसकी आड़ में राजनेता जनता के असली मुद्दे भुला देते हैं।